जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, क्या उस देश में सभी छात्र छात्राओं को पूरी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं? नजर डालते हैं हिसार पर, जहां भाजपा सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास उकलाना में सही नहीं बैठ रहा। यही नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दम तोड़ रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े सरकार के दावे विफल हो रहे हैं। उकलाना के स्थानीय भाजपा नेता जब भी उकलाना में हुए विकास का गुणगान करते हैं तो शुरुआत करोड़ों रुपए की लागत से बने गवर्नमेंट कॉलेज से ही की जाती है। यही सही मान लें कि करोड़ों रुपए की लागत से उकलाना में गवर्नमेंट कॉलेज की शानदार बिल्डिंग तो भाजपा सरकार ने बनाई, परंतु क्या अकेली बिल्डिंग में छात्राओं को शिक्षा मिल सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। उकलाना गवर्नमेंट कॉलेज में 5 से भी अधिक अध्यापकों की कमी होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज उकलाना में अध्यापकों की कमी के चलते कॉलेज प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों को बार बार लिखा भी जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इस संदर्भ में जब भाजपा उकलाना के स्थानीय नेता एवं हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा। उकलाना गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अध्यापकों की कमी के चलते अपना रोष प्रकट करते हुए बताया कि उकलाना गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापकों की भारी कमी के कारण उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। छात्र छात्राओं का यह भी कहना है कि कई बार तो मात्र एक विषय की क्लास ही लगाकर उन्हें वापस घर लौटना पड़ता है। कॉलेज में इंग्लिश, पब्लिक एड, साइकोलॉजी, मैथ समेत अन्य कई विषयों के अध्यापकों की कमी है। कॉलेज में केवल अध्यापकों की ही कमी नहीं बल्कि इसके साथ साथ छात्र छात्राओं को परिवहन, पानी और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी जूझना पड़ रहा है। मुगलपुरा गांव के सरपंच जोगिंदर उर्फ बबलू खड़ोर का कहना है कि वह जल्दी ही इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सरपंच जोगिंदर ने कहा कि कॉलेज के सामने हरियाणा रोडवेज की बसों का ना रुकना भी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर भी वह हरियाणा रोडवेज परिवहन हिसार और फतेहाबाद के GM को पत्र लिखेंगे तथा सरकार के सामने भी समस्या को उठाएंगे। सर, यहाँ से जब आते हैं जाते बस स्टैंड से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है, तो ये कॉलेज के सामने कोई बस भी नहीं रुकती है। वो बस स्टैंड बनाया हुआ है लेकिन बस पे बस जब तक यहाँ से मतलब वहाँ पर पहुँचती है तो बच्चे टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं। कई बार दिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 4-5 टीचरों के अलावा कोई भी टीचर नहीं है। हमारी कभी कभी एक ही क्लास लग पाती है सिर्फ हिंदी हिंदी की, उसके बाद यहाँ पे बस की भी सुविधा नहीं है। आते जाते टाइम बस स्टैंड से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है इतनी गर्मी में। ये टीचर है और कोई टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स की भी नहीं है, साइको की भी नहीं है, ना ही इंग्लिश की है और ना ही पब्लिक एड की है। तो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कभी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट भरने की बात हुई हो? नहीं सर, मैम ने कई बार बोला तो है कि भाई बुलाएंगे टीचर को, बुलाएंगे, कहते रहते हैं बस। सर बाकी तो कोई टीचर नहीं है, मेरी तो एक ही क्लास लगती है बस हिंदी की, मोस्ट ऑफ गर्ल्स की हिंदी की क्लास लगती है, बाकी वैसे ही बैठ के यहाँ से चले जाते हैं। कौन कौन से टीचर जो यहाँ पर नहीं है? साइकोलॉजी के नहीं है, पब्लिक हेड के भी नहीं है, इंग्लिश के भी टीचर्स यहाँ पर नहीं है। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल मैम लेती है, कभी कभी लेती है जब टाइम मिलता है, तो अदरवाइज ऐसे ही। इसी फर्स्ट ईयर में केवल मैथ की क्लास लगती है लेकिन और कोई टीचर भी नहीं है। टीचर जब पूछते हैं तो कहते हैं कि ट्रांसफ़र में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो अब यहाँ कितने टोटल टीचर कम हैं? यहाँ पर अब मेरी मैथ की क्लास लगती है और किसी चीज़ की नहीं लगती। आप मुगलपुरा के सरपंच हैं, मुगलपुरा के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर अध्यापकों की कमी है, परिवहन की समस्या है और पानी की भी समस्या है, इसको लेकर के पंचायत क्या कदम उठा रही है? श्रीमान जी, बड़ा हमारा सौभाग्य है कि मुगलपुरा गांव की पवित्र धरती पर ये एजुकेशन अब गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, किंतु उससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए ये है कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग और संस्थान होने के बावजूद भी पूरा स्टाफ नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। छात्र छात्राओं को बड़ी मुश्किल होने लग रही है। GM फतेहाबाद के आदेश जारी होने के बाद भी परिवहन की बसें यहाँ नहीं रुकती, छात्रों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इतना बड़ा संस्थान जो हमें आसपास के सेक्टरवासियों को जो गिफ्ट हरियाणा सरकार ने दी है, तो इसका ध्यान भी रखा जाए, पूरा स्टाफ यहाँ किया जाए। ऐसे ही हालत आरोही मॉडल स्कूल की है जिसमें स्टाफ की कमी है, वहाँ के प्रिंसिपल व स्टाफ अपने निजी
तौर पे संसाधन जुटाकर बच्चों से अभिभावकों से तब जाकर कहीं से डेपुटेशन पे भी ले आते हैं और पढ़ाई करवाते हैं। 5 तारीख को मुख्यमंत्री को लाना आ रहे हैं तो ग्राम पंचायत मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। इस बारे में और आसपास के सभी सरपंच साहिबानों से भी मैंने निवेदन किया है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए सामूहिक रूप से CM साहब से इस समस्या का को अवगत कराएंगे और इसका समाधान करने के बारे में रिक्वेस्ट की जाएगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज उकलाना की बात की जाए तो यहाँ पर टीचरों की बहुत भारी कमी बताई गई है, तो कौन कौन से टीचर यहाँ पर हैं और किन किन टीचरों की यहाँ पर आवश्यकता है? देखिए, कॉलेज जुलाई 2019 में प्रारंभ हुआ था, तभी से यहाँ पर स्टाफ की दिक्कत रही है। शुरू से यहाँ पर इंग्लिश के कोई प्राध्यापक नहीं है, इस साल भी नहीं, पिछले साल भी नहीं थे। हिंदी के 2 स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत है, एक ही मैडम यहाँ पर कार्यरत है, तो एक ही दिक्कत है हिंदी में भी। मैथमेटिक्स में 2 टीचर की ज़रूरत है, एक ही टीचर कार्यरत हैं। ज्योग्राफी में 2 टीचर पूरे हैं। साइको और पब्लिक एड के जो टीचर यहाँ पर कार्यरत हैं, उनका डेप्टेशन पीरियड पूरा हो चुका है और वो अपने पेरेंटल कॉलेज में वापस जा चुके हैं। इसी तरह BSc कंप्यूटर साइंस शुरू किया गया है, BSc कंप्यूटर साइंस के टीचर नहीं है, फिजिक्स के कोई टीचर नहीं है, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल मैडम है ये अगले बार रिटायर होने वाली हैं, तो इकोनॉमिक्स के कोई टीचर यहाँ नहीं रहेंगे। तो यह स्टाफ की भारी दिक्कत। गवर्नमेंट कॉलेज उकलाना द्वारा इन चीज़ों को लेकर कभी प्रशासन को या सरकार को लिखा गया है? हाँ, हम DHC उच्च शिक्षा विभाग को इस बारे में कई बार अवगत करा चुके हैं और 1-2 डेप्टेशन की लिस्ट आ भी चुकी है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं भेजा। बच्चों का यह भी कहना है कि कई बार तो बहुत सारी क्लासेस सिर्फ एक पीरियड पर ही रुक जाती है। हाँ, ऐसा है। BSc कंप्यूटर साइंस के बच्चों का सिर्फ मैथमेटिक्स की क्लास लग सकती है, 2 टीचर है ही नहीं। फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के कोई टीचर नहीं है। ऐसा ही आप साइको और पब्लिक एड के टीचर नहीं है बिल्कुल भी, तो क्लासेस कैसे हो पाएंगे? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।